नहीं बुझे अच्छे गुरु भाई थी। तो गुरु बहन का जो गुरु भाई क्या तो बोलते हैं नहीं समझ रहे थे क्या तो चर्चा जो शिव गुरु का चर्चा क्या चीज है उनको मालूम नहीं था। तो एक दिन का बात है जो कोई जगह पे चर्चा हो रहा था तो वहाँ पे गुरु भाई को बोले आप जाके देखिए वहाँ चर्चा में ना अमृत का बारिश होता है। तो बोले के ऐसा कौन अमृत का बारिश है। तो बोला अमृत का बारिश जो जिसका पास ज्ञान नहीं है उसका लिए बहुत बड़ा गुरु का जो मिलता है तो अमृत का बारिश मिलता है जो चर्चा में जाने से। तो उनका हस्बैंड बोले जो ऐसा कौन बात है जो हम आज जाके देखें जो तुम लोग को जैसे अमृत का बारिश मिलता है तो हमको भी मिलेगा। बोला हाँ आप जो शिव को गुरु बनाइएगा तो आपको भी मिलेगा। तो शिव को गुरु नहीं बनाए थे तो गए चर्चा में। चर्चा में जब गए तो चर्चा में जाने के बाद चर्चा सुने थोड़ा देर चर्चा सुनने के समय में उनका नींद आ गया सो गए। तो तब वहाँ पे सामने पुल थे और पुल के अड़ के सो गए। सोने के बाद तो चर्चा भजन जब हो गया तो जाने के समय में उधर से एक कुत्ता रहे थे। कुत्ता आने के बाद उनको ऊपर टॉयलेट करके चले गए। तो वो अपना बोले हाँ मेरी बीवी जो बोली थी जो चर्चा में जाने से अमृत का बारिश हो रहा है ये तो मिष्टी बारिश नहीं है नोनता बारिश है। घर जाने के बाद जो बोले अपना पत्नी को जो देखिए हम तो चर्चा में गए आप तो सच बोल रहे हैं जो अमृत का बारिश हो रहा है किंतु ये तो अमृत का बारिश था ये तो मिष्टी नहीं था नोनता सा था। बोला देखिए आप तो अमृत बारिश सोच के गए थे चर्चा में किंतु ये तो नहीं सोचे जो मेरा गुरु का काम है मैं अपना गुरु के काम में जा रहे हैं इसीलिए आपका अमृत का बारिश नहीं मिला आपका कुकुर ने उधर से आके टॉयलेट करके चले गए। बोले ऐसे क्यों बात है। बोले हाँ जिसका अमृत का बारिश शिव जो गुरु बनाए हैं ना तो गुरु जी अमृत का बारिश दे रहे हैं और जो शिव को गुरु नहीं बनाए हैं ना उसका ऐसे ही होता है। तो उस दिन से वो अपना बीवी के बोले जो ठीक है हमको भी शिव को गुरु बना दीजिए हम भी अमृत का बारिश पाएंगे। तो बोला ठीक है आप भी अमृत को बारिश पाइएगा शिव को गुरु बना लिए। वो दिन से तीन सूत के पालन किए पहला में दया मांगे दूसरा में चर्चा तीसरा में नमः शिवा करके गुरु को प्रणाम किए जो भूल किए थे उनको क्षमा मांग लिए जो गुरु जी हमको क्षमा कीजिए। उस दिन से वो समझ गए कि जो चर्चा क्या चीज़ है उनकी बीवी पर विश्वास नहीं था उसीलिए उनको टॉयलेट कर दिया वो चला गया। सुनिए नदी था उस नदी के किनारे दो पत्थर थे वो पत्थर मतलब दोनों मतलब बातचीत करते थे कि से मतलब हम कहाँ से आकर यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। तो पत्थर बोलता है कि से मतलब ये तो पुखर के पार है ना हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो दो एक आदमी आया उसको क्या किया एक पत्थर को उठा के मंदिर में रख दिया एक पत्थर के लेकर मतलब घाट पर रख दिया। उस एक घाट पे जो जहाँ से आते थे नहाते थे और कपड़ा धोते थे मंदिर में जो जाते थे तो जितना लोग मतलब पूजा पाठ करके जाते थे तो किनार वाला मतलब नदी किनार वाला पत्थर क्या बोलते थे कि से मतलब रात जब हो जाते थे तो दोनों पत्थर एक जगह होकर बोलते तुम बहुत भाग्य के नसीब है कि से तुमको मंदिर में रखा तुमको सब भाग से पूजा करता है सब कुछ करता है हमको तो नदी किनार में रख दिया जो जहाँ से आते हैं कपड़ा धोते हैं नहा लेते हैं जो इच्छा होता है से मतलब करके चले जाते हैं। तो अपना वो मंदिर के पत्थर क्या बोले हैं सबसे भाग नसीब तुम हो क्यों इसलिए कि हम जो मंदिर में पूजा करने के लिए आती है सब तो मतलब दुख सुख कष्ट सब हमको बोलता है तो सबको तो उधरना पड़ता है ना सबको तो आशीर्वाद देना पड़ता है ना। आ तुमको तो इतना अच्छा किया है कि नदी किनारे में पत्थर रख दिया है जो जहाँ से आते धो देते हैं तुमको तो धुआ जाकर पाप अधोर सब नदी में चला जाता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं महादेव के मतलब नदी में लोग जो बोलते हैं कि नहाने के लिए जाते हैं नहा कर आते हैं कभी ये नहीं करना चाहिए कि हम पत्थर पर जाकर क्यों ये करेंगे। तो पत्थर तो नसीब वाला था मंदिर में तो भगवान के पास जाते हैं बोलते हैं भगवान हमको ये हो गया हमको माफ़ कीजिएगा हमको ये मतलब पूर्ण करिएगा ये करके बोलता है। तो दोनों पर पत्थर दोनों जगह पर रह गए और हम लोगों को यहाँ से चल दिए। सखियरूसल गुरु हुनका कोना मनाए ना सखियरूसल शिव गुरु हुनका कोना मनाए ना है रोशन छै बाप बोला हुनका कोना।
कौन टोला बसहा छोड़ बोला केला कौन टोला हे किनका पठायब ना सखी हे किनका पठायब ना सखी हे रुसल जाय सब बोला हुनका कोना मनायब ना सखी हे रुसल जाय सब Thank you.